राधे राधे मैया। हाँ कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो मैया, आप वृंदावन में कब से हैं आप? हम 2015 फरवरी से। अच्छा। हाँ, 9 years कंप्लीटेड माँ। ओके। ये सब राजनीतिक के लोग हैं, ये ABCD भी नहीं जानते सनातन के बारे में। और तुलसीदास जी लिख भी गए, कलमल ग्रसे धर्म सब लुप्त बही सद ग्रंथ, पाखंडी ने जो कल्प कर प्रगट किए बहुपंत। राधे राधे, फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं एक मैया को दर्शन कराने जाऊंगा, पहले IAS अफिसर थी, गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से ऐसी हुई उनके मन में, जो IAS पद को त्याग के और एक साध्वी की भांति आके वृंदावन में जमुना जी के किनारे अपने एक कुटिया बना के रहने लगी। तो हम चलते हैं अंदर, उस कुटिया का दर्शन करते हैं, फिर मैया से हम लोग दर्शन करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो मैया ने पहली बार जहाँ भजन किया था इस कुटिया के अंदर, वो कुटिया बना पड़ा है। तो चलते हैं अंदर और उस कुटिया को हम पहले दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, ये वही कुटिया है जो मैया ने पहली बार आके इस कुटिया में भजन किए थे। और भजन कीर्तन ऐसे हुआ जो मैया इस कुटिया से निकल भक्तों की कृपा से, ये छोटा सा एक मकान बना हुआ है, इस मकान के अंदर मैया आ चुकी हैं और इसी मकान के अंदर रहती हैं। तो चलिए हम अंदर से दर्शन करते हैं। राधे राधे मैया। हाँ कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो मैया, आप वृंदावन में कब से हैं आप? हम 2015 फरवरी से। अच्छा। हाँ, 9 years कंप्लीटेड माँ। ओके। और संत रूप में कब से आए मैया? हाँ, संत रूप कृष्णा 2016 2016 से वो समय थे माँ, माघ महीना में तो शुरू हो गई थी। ओ, माघ महीना। अच्छा, तो आपको तो प्रॉपर हिंदी भी नहीं आती है, यहाँ पे कैसे स्ट्रगल किया आप? एक्चुअली हम तमिलनाडु में तो हाँ है, इधर ऑफ कोर्स जन्मभूमि तो तमिलनाडु, हम पुरानी कथा बोलने के लिए नहीं, बट हिंदी नेक भी आती नहीं है। इधर ढाई साल तक गुरी में, क्या बोलूँगा, डेमन डफ गुंगी बेरी है, कुछ भी बोलती नहीं हूँ, मौनी रहो। हाँ, बट इधर ब्रिजवासी अच्छी प्रेमी है, अच्छी पालन किया, हमको काली हाथ में आ गई, फिर इधर रखने के लिए जगह, अनभजन के लिए जगह व्यवस्था, एंड खाने पीने के लिए व्यवस्था, फिर पूरी व्यवस्था ब्रिजवासी ने तो मैंने के दिया। उधर वृंदावन पे तो 3 महीना तो थी, बाद में गुरु का आगे आते हैं, मैं आ गई थी बेलवन, बेलवन में तो 2 साल 2.5 साल थी उधर ही है, बेलवन में है, बेलवन में तो पूरा उधर परिक्रमा, ब्रज परिक्रमा एंड वृंदावन परिक्रमा, यमुना स्नान, ईमनियम पूरा करते थे बेलवन में रहने से। बाद में तो कृष्णा की आज्ञा थे, एक एक चातुर्मास एक एक जगह में करने के लिए कृष्णा आज्ञा मिल गई थी। फिर करील में एक चातुर्मास एंड अनदर चातुर्मास बाजना थे, एंड एक चातुर्मास इधर अक्षय बैठे थे, फिर एक बाद में 3 चातुर्मास 4 चातुर्मास इधर तो हम कंप्लीट किया। ऐसा एक एक साल की एक एक जगह थे हो गई। तो आप लोग से हम बताना चाहें, मैया पहले IAS ऑफिसर थी, उस पद को त्याग के संत रूप में आई, तो मैया ये सब के बारे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये गुरु जी है, इनसे जानना चाहें मैया। मेरा गुरु नहीं है, मेरा शिष्य है। नहीं, मैं तो अपना गुरु जी, गुरु जी माता जी को गुरु का आदेश मिला। और ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि गुरुदेव 1991 में समादेश हुए और 2001 में आके आदेश दिया कि आप ब्रज में जाइए और यमुना के ईस्ट साइड में जाके भजन कीजिए। तो बाकी का मतलब बहुत पहले से माताजी पे कृपा थी मैया की, जिसे माँ स्वर्णा कहती हैं, माताजी दुर्गी माँ को, और उन्हीं की इच्छा से ब्रज में आई। कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण को बेटा मानती हैं माताजी, और बहुत ही मतलब दो जोड़ी कपड़े के साथ रह के मतलब भजन में, भजन के अलावा और कुछ है नहीं माताजी के पास। तो मैं थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं जानना चाहूँगा, मैया तमिलनाडु में कौन से ज़िले में ये पद पे थी? ये सारी चीज़ें माताजी मतलब पसंद नहीं करती हैं कि बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं एक्चुअली, क्योंकि ये सन्यासी का क्या होता है कि आप ये यकीन मानना कि मान बड़ाई ये सारी चीज़ें संत के लिए काल के समान है।
तो इन सारी चीज़ों की अलावा आप अध्यात्म में कोई भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें पब्लिक जहाँ से जिस भीड़ भाड़ को माता जी छोड़ के आई हैं जैसी वहीं से फिर शुरुआत हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें जरूरी नहीं है। अध्यात्मिक चीज़ें आप चर्चा लाएं, मतलब ठीक है, हम ये सब पूछना नहीं चाहेंगे, लेकिन और भक्तों के लिए कुछ आदेश हो तो कुछ, मतलब भक्तों के लिए कुछ बता सकते हैं जो हम इसके माध्यम से लोग देखना चाहेंगे तो उनके लिए क्या होगा, भजन कीर्तन कैसे करें घर में बैठे बैठे? केवल आपको जो ईष्ट हैं, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे दुर्गे मैया हो या शंकर भगवान हो, आपके लिए सब कुछ आपके ईष्ट हैं। और जो गुरु मंत्र है, मतलब गुरु मंत्र, गुरुवेन भवनेद तरेन कोई जो ब्रंच शंकर सम होई, बिना गुरु के चाहे ब्रह्मा और शिव जी के समान हो वो भी पार नहीं हो सकता है। गुरु मंत्र सबसे सबसे पावरफुल है। गुरु मंत्र का जैसा भी गुरु ने जो कहा उस मंत्र का जाप आप कीजिए, वो मंत्र वहाँ ले जाएगा जहाँ आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ लास्ट जहाँ जाना है, वही हमारे विकारों को, हमारे अंधकार को वही दूर करेगा, दूसरा कोई मार्ग है नहीं। इधर उधर भटकने से कुछ भी नहीं होगा। और ये भी नहीं कॉपी करना है कि हमें ये भगवान राम मानने, भगवान कृष्ण मानने, जो भी इष्ट हैं आप उन्हें मानिए, बेधड़क मानिए, बेहिचक मानिए, और उन्हीं को सर्वस्व जिस दिन मान लेंगे आप कि उनके अलावा, देखिए हर जीवन में हमारे रिश्ते नाते बदलते हैं। एक संत कहा करते हैं कि महेश बाबा बहुत अनंत काल से भाई बहन पति पत्नी माँ बाप के लिए जी लिए, एक जन्म ईश्वर के लिए मर के देख लें, जिस दिन आप अनन्य भक्त हो जाएंगे उसी तत्क्षण, ये चैलेंज है महापुरुषों का, उसी तत्क्षण आपको साक्षात्कार हो जाएगा ईश्वर का। तो ये होती है सनातन धर्म, और आप लोग सीखिए सनातन धर्म से क्या होता है। आजकल तो क्या हो गया ना, सनातन धर्म को कोई कुछ बोल देता है, मतलब लोग तो मतलब आज के डेट में सनातन धर्म को गालियां देने पे उतारू हो जाते हैं सब। एक्चुअली धर्म वो किसी भी धर्म से, वो नास्तिक लोग हैं जो अपने धर्म को, देखिए नास्तिक इस जीवन में कोई नहीं हो सकता, चाहे वो बह से स्वार्थ के लिए, ये सब राजनीतिक के लोग हैं, ये ABCD भी नहीं जानते सनातन के बारे में। सनातन से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, और ये पहली बार नहीं, हर बार जब कलयुग आता है, देखिए कलयुग जिस समय अपने चरण धरता है तो ये फैक्ट है कि साधु संत और ब्राह्मण पतित होने लगते हैं हर बार, क्योंकि ये ही रोकने वाले हैं अधर्म को, और ये ही पतित होते हैं, और ये समय आगे आने वाला समय भी ऐसा रहेगा कि कम से कम 200 की स्पीड से दौड़ रहे हैं ये लोग पतित होने के लिए। तो सनातन को न जानने वाले, क्योंकि बहुत सी मैं ये देख रहा हूँ कि ये कथावाचक जो हैं वो भी जो सही चौपाई हैं या सही अर्थ है उसको लेके नहीं चल रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। एक एक चौपाई रामायण का मंत्र है अपने आप में, एक एक शास्त्र या जो जितना भी लिटरेचर है सनातन का, गीता भागवत, ये अपने आप में मंत्र हैं, और एक केवल एक मंत्र हमें भवसागर से पार कर देगा, करोड़ों जन्म के पाप नष्ट करने की हिम्मत रखते हैं। बाकी का सनातन के अलावा, सनातन से अलग कुछ है ही नहीं, कोई कुछ भी माने वो सब राजनीतिक प्रोपगंडा है, लेकिन सनातन से अलग लेस मात्र कोई धर्म रह ही नहीं सकता, सब कुछ सनातन के ही अंडर में, यहीं से सब ने शिक्षा ली, क्योंकि राजनीति के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा। और तुलसीदास जी लिख भी गए, कलमल ग्रसे धर्म सब लुप्त बहे सदग्रंथ, पाखंडी ने जो कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ, के कलयुग के समय में हमारे शास्त्र धर्म ये लुप्त होते जाते हैं, जो पाखंडी है मनोधर्म, मन से धर्म मानते हैं और मनोधर्म को सर्वोपर मान के तरह तरह की चीजें प्रकट करने लगते हैं। और देख रहे हैं आप, सही मायने में तो माइक में भी भजन नहीं करना चाहिए, ये सनातन का नियम है कि मुंह से ही करना चाहिए, मतलब जितनी वाणी शुद्धि हो उतना सही है, लेकिन कैसे चल रही है ये सारी चीजें, मतलब ये भजन हमें भजन के अलावा दूसरा मार्ग नहीं है जो हमें इस
भवसागर से पार कर, भवसागर से या कली के पाप से नष्ट कर सकता। धर्म धर्म कुछ भी बोलो, हमारा ब्रज में है, ब्रज में राधे राधे बोल, ऋषि मुनि गए हार बजे जा राधे राधे, ये तो ब्रज का बात है, ब्रज का बात है। इसमें ऋषि मुनि हार गए, कुछ भी पढ़ो, शास्त्र संप्रदाय पढ़ो, सनातन धर्म, ये धर्म वो धर्म, कुछ भी धर्म धर्म नहीं है, राधे राधे बस, राधे राधे बस बस, ये ब्रिज में तो सब जगह राधे राधे ही होते, राधे होते, राधे राधे कृष्ण। तो ये है हमारा सनातन धर्म, बोलो राधे राधे, राधे राधे।